के भाई अशरफ को कोर्ट में पेश करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। अब जरा समझिए कैसे और कितने बजे डॉन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे नैनी जेल से अतीक निकलेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक और उसका भाई अशरफ जेल से निकलेंगे। जेल और सीजम कोर्ट के बीच भारी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पुलिस तैनात है। सुबह करीब 11 बजे सीजम कोर्ट में पेश होना है अतीक और उसके भाई को। पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस में कड़ी सुरक्षा रहेगी। हालांकि कस्टडी के बाद पुलिस लाइन उसको ले जाया जाएगा। अतीक और अशरफ से पूछताछ की जाएगी। पहले तो अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, अलग अलग सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद अतीक और अशरफ यानी कि उसके भाई को आमने सामने बैठाकर सवाल किए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी। और एक लंबी सवालों की लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है। तो प्रयागराज सीजम कोर्ट से डॉन अतीक की रिमांड मिलने के बाद पुलिस लाइन ले जाकर सवालों का जो प्रोसेस है यानी इंट्रोगेशन की प्रोसेस भी शुरू होगी। और पुलिस के बाद पूरे किस तरीके से ये जानकारी है कि 200 सवालों की फहरिस्त है इनके पास, एक लंबा चौड़ा सवालों का जो ये कह लीजिए कि जखीरा जिस तरीके से तैयार किया गया है, क्या हो सकता है वो भी आप जान लीजिए। देखिए डॉन से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। उमेश पाल की हत्या क्यों करवाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, कौन कौन इस साजिश में शामिल थे, इस मर्डर की योजना प्लानिंग कैसे बनाई गई, शाइस्ता से फोन पर क्या बातचीत हुई थी, असलाह कहां से आया, हथियार कहां से आया, दिल्ली नेपाल में नेटवर्क पर सवाल पूछा जाएगा, अशरफ को आखिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया और उससे क्या इंट्रेक्शन अभी तक हुआ, इसको लेकर भी सवाल होगा। शाइस्ता परवीन कहां है क्योंकि वो फरार है, अखलाक को फोन क्यों किया और आयशा से क्यों संपर्क किया गया था। तो ये वो मोटे मोटे बड़े बड़े सवाल हैं जो इस वक्त मैंने आपको बताए। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए मनीष यादव प्रयागराज कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, विनोद मिश्रा नैनी जेल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष सिंह भी उमेश पाल के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले विनोद मैं आप ही के पास आ रही हूं, जरा आप बताएं कि नैनी जेल से क्या तस्वीर नजर आ रही है। विनोद जी बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम इसी नैनी सेंट्रल जेल के बाहर खड़े हैं और अतीक, उसका भाई अशरफ और उसका बेटा अली तीनों इसी जेल में हैं। कल शाम को 6 बजे करीब अतीक को यहाँ पे लाया गया था, हाई सिक्योरिटी बैरक में उसको रखा गया है। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों को, अली पहले से हाई सिक्योरिटी बैरक में है, इसके अलावा अशरफ और अतीक को भी हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। जिस सेल में रखा गया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बंदी वहाँ पे तैनात हैं, जो बंदी रक्षक, जो पुलिस के जवान जो तैनात हैं जेल पुलिस के, वो भी बॉडी वार्मर कैमरे लगाए हुए हैं ताकि उन पर निगाह रखी जा सके, जो भी घटनाएं वहाँ पे उसको उस कैमरे में कैद किया जा सके। तो बहुत ही सिक्योर तरीके से इस जेल के अंदर दोनों भाइयों को रखा गया है। आज करीब 11 बजे इनको इस जेल से ले जाया जाएगा कोर्ट में पेश करने के लिए। उससे पहले रात की बात अगर बताएं तो कल रात को शाम 6 बजे ही अतीक को यहाँ पे जेल के अंदर एंट्री उसकी हो गई थी। करीब 8 बजे अशरफ पहुंचा था यहाँ पे। बड़ी खबर ये भी है कि अशरफ अभी रोजे पे है, ये रोजे का समय चल रहा है। उसने कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन अतीक ने जरूर रात को यहाँ पे डिनर लिया, जेल का डिनर होता है। अभी दोनों भाई जो है अभी भी जी ठीक है बिल्कुल। विनोद खाएं तो खाएं कैसे आज का दिन, क्योंकि बहुत भारी भी उन पर पड़ने वाला है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड में, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुंबई प्रयागराज लखनऊ के कारोबारियों ने मदद की है, जानकारी मिल रही है। अतीक के गुर्गे शाइस्ता को पैसे भिजवा रहे थे, हत्याकांड के शूटर्स को शाइस्ता पैसे भेज रही थी, शाइस्ता ने ही मेरठ में अखलाक को पैसे भेजे थे, अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम और असद तक ये पैसे भिजवाए। तो देखिए किस तरीके से ये जो चेन है ये फैली हुई है और कैसे एक दूसरे की मदद की गई, ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष इस वक्त प्रयागराज कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जरा आप बताएं, क्योंकि आज अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाना है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वहां पर। देखिए पहले तस्वीरें दिखा देता हूं, कोर्ट परिसर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। सीजीएम जो कोर्ट नंबर 10 है उसमें अतीक अहमद और अशरफ की पेशी की जाएगी, रिमांड पुलिस मांगेगी, कस्टडी रिमांड, और उम्मीद है कि 7 दिन की रिमांड मिल जाएगी कोर्ट से। हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, हालांकि कोर्ट तय करेगा कि कितने दिन की मिलती है, लेकिन जो संभावना है 7 दिन की रिमांड मिल सकती है। उसके बाद अतीक अहमद को पुलिस लाइन ले जाया जाएगा जहां पर इंटेरोगेशन किया जाएगा। कचहरी में एकदम सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देखिए
पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। सुबह से ही डिप्लोमेंट हो गया था। जो एंट्री गेट है वहां पर पीएसी को भी तैनात किया गया है। जब अतीक अहमद को यहां पर लाया जाएगा तो बाकी जो वकील है, जो जिस कोर्ट से जिनकी कोई लेना देना नहीं हो, उन्हें यहां पर आने की अनुमति नहीं होगी। एकदम जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पिछली दफा देखने को मिली थी, उसी पैटर्न पर इस बार भी कोर्ट का माहौल रहने वाला है। बहुत अहम दिन है अतीक अहमद के लिए, अशरफ के लिए और बाकी जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए, क्योंकि अब सिलसिला शुरू होगा अतीक अहमद के गुनाहों के हिसाब किताब का। इंटरोगेशन शुरू होगा, आ चुका है। मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा। और उमेश पाल के घर के बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष भी मौजूद है। आशुतोष, जरा आप बताएं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन, भारी दिन भले ही अतीक और उसके परिवार के लिए है, लेकिन बड़ा दिन ये उमेश पाल के परिवार के लिए भी है। आप उनसे बातचीत कर रहे होंगे, क्या उनका कहना है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे न सिर्फ अतीक अहमद के लिए आज का ये जो दिन है बड़ा है, बल्कि उमेश पाल के जो परिजनों के लिए भी आज का दिन बड़ा है, क्योंकि उमेश पाल की 24 फरवरी की शाम तकरीबन 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस दिन के बाद से ही जो परिवार है वो एक तरीके से अभी भी दहशत में जी रहा है। उसके भी चेहरे पे खौफ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जिस तरीके से हमने अपने बेटे को खोया, उसी तरीके से कुछ वही हस्र अतीक अहमद और उसके भाई का भी होना चाहिए, उसके बेटों का भी होना चाहिए। जो दर्द उन्होंने सहा, वही दर्द साहिस्ता परवीन को भी एक तरीके से झेलना चाहिए। और शायद यही कारण है कि वो लगातार, इसके पहले हमने देखा था कि उमेश पाल अपहरण कांड में जब अतीक अहमद और अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो जो इनका परिवार था वो खुश नहीं था। उनका ये कहना था कि अतीक अहमद को आजीवन कारावास नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जेल में रहता है तो फिर उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनको भी वो टारगेट कर सकता है, उनको भी निशाना बना सकता है। लिहाजा जो उनकी मांग है कि कम से कम इस केस में, यानी उमेश पाल मर्डर केस में, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से उमेश पाल पिछले 17 साल से लगातार अतीक अहमद के खिलाफ जो एक तरीके से चट्टान की तरह खड़े थे, ये लोग भी जो कानूनी लड़ाई है वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इसके लिए जो तैयारी है इनकी ओर से भी पुख्ता कर ली गई है। जो वकीलों की जो फौज है वो बिल्कुल तैयार है। इनकी माता जी लगातार कह रही है कि जब तक ये केस चलेगा वो गवाही देंगी, जब तक ये केस चलेगा वो लगातार पैरवी इस मामले में करती रहेंगी। और अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ के साथ साथ जो उसका बेटा असद है उसको फांसी की सजा तो दिलाकर रहेंगी। जी आशुतोष, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उनकी लगातार यही मांग रही है कि न सिर्फ अतीक बल्कि पूरा परिवार किस तरीके से क्रिमिनल है, उनका बैकग्राउंड है, और सबको सजा होनी चाहिए। वो लगातार ये मांग करते आए हैं। एक बार फिर से हम मनीष का रुख करेंगे। मनीष, जरा आप मुझे बताएं, क्योंकि नैनी जेल से लेके जाना है अतीक को कोर्ट में, कितने बजे का समय मुकर्रर किया गया है? देखिए, 11 बजे का समय तय किया गया है। 11 बजे यहां पर सीजेएम आ जाएंगे, अतीक और अशरफ को 11 बजे यहां पर पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 10:30 बजे जो पुलिस बल है वो नैनी जेल से अतीक अहमद को यहां पर लेकर रवाना होगा। उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड की जो प्रोसेस होती है, कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखेगी, जो सरकारी अभियोजक है वो अपना पक्ष रखेंगे। रिमांड मिलने के बाद सीधे अतीक अहमद को पुलिस लाइन लिया जाएगा, जो यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस लाइन में भी खास तैयारियां की गई है। इंटरोगेशन रूम जो बनाया गया है उसमें स्पेशल टीम रहेगी। ठीक है मनीष, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बार फिर से आपका रुक करूंगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये कि अतीक के गुर्गों पर रेड को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। छापेमारी में एजेंसियों को अहम सबूत मिले हैं। दस्तावेजों से कई शेल कंपनियों का पता लगा है। इन शेल कंपनियों में अतीक का पैसा लगा हुआ था। अनजान खातों से पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। और एक बार फिर से मनीष आपी का रुख करें, जरा बताएं मनीष, क्योंकि अब जानकारी ये मिल रही है कि जो अतीक के गुर्गे हैं उन पर रेड जिस तरीके से हो रही है, छापेमारी में एजेंसियों को काफी अहम सबूत भी मिल रहे हैं, शेल कंपनियों का पता लगा है। देखिए बिल्कुल, 15 जगह पर छापेमारी की गई थी। जो अतीक के सहयोगी हैं, जो कानूनी सलाहकार हैं, जो आर्थिक सलाहकार हैं, जो अतीक अहमद को किसी न किसी रूप में मदद दिया करते थे, जिसमें संजीव अग्रवाल हैं, सीताराम जो चार्टर्ड अकाउंट है वो है, सौलत हनीफ खान है, ऐसी लंबी फहरिस्त है, गुलफुल खान है, जफर इस्लाम है, ये सारे लोग वो थे जो अतीक अहमद को मदद दिया करते थे। कैसे आर्थिक नेटवर्क अतीक अहमद का मजबूत होता गया था, उसमें इन सब लोगों की भागीदारी थी। जो दस्तावेज ईडी की टीम को मिले हैं, उन दस्तावेजों में
कई शेल कंपनी है जिनमें एमजे इंफ्रा ग्रीन है, एमजे इंफ्रा लैंड है, एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, अलीना सिटी है, साई विहार योजना है, सैदपुर आवास योजना है। ये शेल कंपनी उसने बना रखी थी, इनसे अनजाने खातों में लेन देन हुआ है। मतलब ये मालिकाना हक इन कंपनियों पर किसी और का था, लेकिन पैसा अतीक अहमद का था, पैसा अतीक अहमद के गुर्गों का था। 75 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई है, जिसमें कुछ विदेशी मुद्रा भी है, नोट गिनने की मशीन भी मिली है। तो ये पूरे संसाधन मिले हैं, बहुत सारे ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं जो इशारा करते हैं कि अतीक अहमद का नेटवर्क बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, इससे ये पता चलता है कि अतीक का जो नेटवर्क है वो कहां तक फैला हुआ। लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। मुंबई, प्रयागराज, लखनऊ के कारोबारियों ने मदद की, अतीक के गुर्गे शाइस्ता को पैसे भिजवा रहे थे, हत्याकांड के शूटर्स को शाइस्ता पैसे भेज रही थी और शाइस्ता ने ही मेरठ में अखलाक को पैसे भेजे थे, अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम असद तक पैसे भिजवाए थे। देखिए किस तरीके से नेटवर्क का फैला हुआ है। एक बार फिर से मनीष आपी के पास आ रही हूं मैं, ये जो आप अभी कह रहे थे कि ये जो अतीक का नेटवर्क है कहां तक फैला हुआ है, क्योंकि जानकारी तो ये मिल रही है कि मुंबई, प्रयागराज, लखनऊ के कारोबारियों ने मदद की है। देखिए नेटवर्क केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र में भी अतीक अहमद के पैर जमे हुए हैं, नेपाल तक अतीक अहमद ने बड़ी बड़ी जमीनें इकट्ठी की हैं, प्रॉपर्टी बनाई है। अतीक अहमद की नामौजूदगी में शायस्ता परवीन पूरा कारोबार संभाला करती थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शायस्ता परवीन एक्टिव हो गई है। तालिब जो एसपी सिटी है वो शायस्ता की मदद कर रहा है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक शायस्ता परवीन ने असद, गुलाम और गुड्डू को पैसे मुहैया कराने के लिए लखनऊ के कुछ व्यापारियों से संपर्क किया था। उन्हें कहा था कि अतीक चाहते हैं कि आप इतना पैसा मेरठ पहुंचवाइए। अखलाक जो कि अतीक का बहनोई है, वहां तक ये पैसा पहुंचाया गया और अखलाक ने ये पैसा जावेद के माध्यम से असद और गुलाम तक पहुंचाया था। ये जानकारी पुलिस को मिली है। कुछ पैसा मुंबई से भी इकट्ठा किया गया था, जिस पैसे का इस्तेमाल इस मुकदमे की पैरवी में किया जाना था, वकीलों की फीस के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाना था, जहां पर दबाव डालना है उन अफसरों को यह पैसा दिया जाना था। ऐसी जानकारी मिल पाई है। शायस्ता परवीन ने इसकी तैयारी कर ली थी। अतीक अहमद के नाम पर शायस्ता परवीन भी लोगों को डराकर धमकाकर पैसा इकट्ठा कर रही थी इस घटना के बाद भी। तो नेटवर्क जो है शायस्ता परवीन और अतीक अहमद का, वो उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी जारी था। व्यापारियों को डराया और धमकाया जा रहा था, बिल्कुल सही कहा मनीष आपने। आशुतोष का एक बार रुक कर लेते हैं, आशुतोष, क्योंकि शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है और जानकारी यह आई है कि किस तरीके से वो अतीक के गुर्गे जो थे वो शाइस्ता को पैसे भिजवा रहे थे और उसके बाद शाइस्ता जो हत्याकांड के शूटर्स थे उनको पैसे भिजवा रहे थे। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं और बेधड़क अभी भी सब कुछ चल रहा था। बिल्कुल, जब से अतीक अहमद जेल में बंद हुआ उसके बाद से जो शाइस्ता परवीन हैं वो लगातार जो पूरी जो एक तरीके से जो गतिविधियां हैं जो जमीनी स्तर पर किस तरीके से अंजाम देना है उसको एक तरीके से वो लीड कर रही थी। इस मामले को भी देखिए, उमेश पाल मर्डर केस के पहले लगभग 3 से 4 रोज पहले वो इसी धूमनगंज इलाके के एक जो शार्प शूटर था साबिर था उसके साथ वो देखी गई थी और बाकायदे न सिर्फ उसमें साबिर था बल्कि गुड्डू मुस्लिम भी था वहां पर। तो कहीं ना कहीं जो लगातार वो शूटरों के संपर्क में थी और इस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम देना है इसकी जो पूरी जो ब्लूप्रिंट था पहले ही तैयार कर लिया गया था और इसके जो केंद्र में कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन ही थी। न सिर्फ शाइस्ता परवीन इस घटना के बाद बल्कि इस घटना के पहले भी लगातार वो जो शूटर्स थे उनकी मदद कर रही थी। ठीक है, आशुतोष मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन इस खबर पर